मानाच्या ट्रॉफी मध्ये तुम्ही अगदी अंतिम सामन्यापर्यंत पोहोचला, इथे पोहोचल्यापर्यंत तुम्हाला कसं फील होतंय आणि इथपर्यंत तुम्ही धडक दिले काय वाटतंय? खूप चांगलं वाटतंय आणि आम्ही ही मॅच पण जिंकावी आज. नक्कीच. त्यानंतर खालिंग संघाच्या कर्णधाराला विचारतो, तुमचा गाव खालिंग संघ इथपर्यंत पोहोचलाय, तुम्हाला कसं फील होतंय? खूपच चांगलं वाटतंय. नक्कीच, एका वाक्यात उत्तर आहे. धन्यवाद. चला बोलूयात ऑल दी बेस्ट दोन्ही संघांना. मॅच मध्ये आजच्या दिवसातील मोठी फाईट बिग शो व्यासपीठावर स्थानापन झालेले आहे. चावे चषकामध्ये चाव्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक आणि रोहिदास पाटील यांचा इथे येतोची ती सत्कार होतोय. शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन आचार्य म्हणून फार फेमस आहेत ते. नाव लौकिक आहेत. चावे स्पोर्ट चावे आयोजित या टुर्नामेंटमध्ये जे स्वयंसेवक आहेत त्यांचे जे मेन मेंबर आहेत त्यांची नावं काय मला माहीत नाही. मी त्यांना विनंती करतोय, आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना आहे, आपण ग्राउंडच्या चौवती जाऊन उभं राहायचं आहे जेणेकरून चेंडू लवकरात लवकर द्याल. तुम्ही तीन 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 षटकांचा सामना आहे, दोघांना नवीन चेंडू असेल. आणि खालींच्या सर्व सहकार्यांना विनंती असेल की आपण खेळाडू कक्षामध्ये जाऊन स्थानापन व्हायचं आहे, अन्यथा पॅनल्टीचा सामना करा. प्लीज पाणी प्या आणि नंतर जा. लाडका राजा शिवाजी माझा जय भवानी. लाडका राजा जय शिवाजी. मराठमोळ्या मातीला हो, मराठमोळ्या मातीला देई सुगंध ताजा हो माझा. शिवाजी माझा लाडका राजा शिवाजी माझा लाडका राजा शिवाजी माझा लाडका राजा. थँक यू डीजे माझर. तो चावे स्पोर्ट आयोजित चावे चषक 2021 में आज इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है. दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला है. अंतिम मुकाबले के लिए तमाम क्रिकेट प्रेमियों को मोनिश और भगवान लकड़े का प्रेम भरा नमस्कार. अंतिम मुकाबले के लिए दूसरे दिन के लिए तो चलिए मुकाबला शुरू होने जा रहा है. दोस्त पारंपरिक बल्लेबाज मैदान में निकल गए हैं, विद्याधन और एतिश. ओके सर. तो गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं निम्बुली की तरफ से गेंदबाज राजा और उनके सामने है बल्लेबाज विद्यानंद. तैयार हो रहे विद्यानंद राजा के सामने बल्लेबाजी करने के लिए. ये गेंद पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था, फलस्वरूप गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, अन्यथा विकेट के पीछे विकेट कीपर तैयार थे कैच के लिए, दीवार की तरह खड़े हैं. पहली गेंद डॉट डालने में सफल हुए राजा, फिर से मुड़े राइट आर्म और द विकेट. इस गेंद को घूम के खेलने का प्रयास किया था, फिर से गेंद डॉट होती हुई निकल गई विकेट के पीछे विकेट कीपर के हाथ में. थोड़ी सी लेग स्टंप के ऊपर से गेंद निकल गई थी, पहली गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से निकल गई थी. ये देखते हुए राजा एक अच्छी गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी कर रहे विद्याधर के लिए. फिर से गेंद डॉट, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास पूरी तरह चूके. लगातार तीन गेंदें डॉट डालने में सफल हुए राजा. इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, दूसरे दिन का अंतिम मुकाबला चल रहा है दोनों के बीच, क्वालिफाई कर रहे दोनों टीमें एक दूसरे के साथ. और स्वीप कर दिया बेहतरीन स्वीप, पहला टप्पा खाती हुई गेंद, अंपायर का ठीक इशारा का इंतजार होगा.
नतीजा कुछ भी है लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक खेला था, स्वीप शॉट खेला था, गेंद निकल गई थी पहला टप्पा खाती हुई सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए। मैं स्वयंसेवकांना विनंती करतो की त्यांनी खेळाडू कक्षांच्या डाव्या बाजूला जाऊन उभे राहायचंय, स्वयंसेवकांना विनंती असेल। राजा चार रन से विद्याधर ने अपना खाता खोला, स्कोरिंग शुरू की अपनी टीम की। फिर से उठा के खेला गेंद को, गेंद हवा में है, कैच की बड़ी संभावना है और पकड़ भी ले और विद्याधर आउट। एक तुम्हारी एक हमारी। शिवराज गणेश अरस दैवत माजे, छत्रपति शिवराज गणेश अरस दैवत माजे, पहली ओवर प्रगति पथ पर है। पहली ओवर के अंतिम गेंद बाकी है, पांच गेंदों के ऊपर केवल मात्र चार रन बन गए एक विकेट पतन होने के बाद। तो नए बल्लेबाज विवेक शेलार, इस बीच राजा अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद डॉट होती हुई निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास, यानी कि पहली ओवर के समाप्ति के पश्चात तो कुल स्थिति है खालिंग की केवल मात्र चार रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। तीन ओवर का यह मुकाबला है, मोहनीश कितनी प्रशंसा करने लायक गेंदबाजी हुई है राजा द्वारा, तारीफ करनी होगी राजा की कि बल्लेबाज को बिल्कुल आजादी नहीं दी। एकमात्र स्ट्रोक विद्याधर ने खेला था, स्विफ्ट शॉट, चार रन हासिल की थी जिसके ऊपर, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी राजा द्वारा। चावे चषक 2021 में इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन रहेगा, परसों अंतिम दिन रहेगा, लगभग चार दिन चलने वाली है टूर्नामेंट्स। काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे चावा के क्रिकेट प्रेमी, लगभग मेरे हिसाब से 15-16 सालों के बाद टूर्नामेंट उन्होंने आयोजित किए यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा 11 ने 15-16 से भी ज्यादा 20 कहेंगे तो भी बेहतर। इस बीच नए गेंदबाज, ये गेंद उठा के खेला है, हवा में गेंद है, घुटने जमीन पर टेके और गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर विवेक ने चार रन के लिए। चार रन से योगदान बढ़ चुका है आठ। इस बीच इस गेंद को फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन अंदाज से खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले एक रन पूरा करने में सफल हुए विवेक, एक रन से योगदान बढ़ चुका है सरस्वती खालिंग का 9 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। तीन ओवर का यह मुकाबला है, दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है, 9 रन बनाकर एक थोड़ी सी सम्मानजनक स्थिति में निकल गए। आने वाले कुछ गेंदों में, आने वाले पल में दोनों भी बल्लेबाज को थोड़ा सा गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाना होगा, टॉप गियर से गाड़ी चलानी होगी तो बेहतर उनके लिए। इस बीच ये गेंद उठा के खेला है, बहुत ही बेहतरीन स्वीप है, हवा में गेंद है और कैच ड्रॉप तो हुआ है लेकिन लगभग रन तो उन्होंने बचाए है, पांच रन बचा है, बहुत ही हमारे ठीक नजरों के सामने उन्होंने गेंद को कलेक्ट करने का प्रयास किया था, पांच रन बचाए, कितनी नियंत्रित फील्डिंग राजा द्वारा अपने टीम के लिए। ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा के पार, लिलिया निकल रही है, पार कर रही है सीमा रेखा, लेकिन पांच रन बचाए राजा ने। सर कितने एक्टिव थे देखो, बिल्कुल जैसे लग रहा था कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी है उस तरह से। एक रन से सरस्वती खालिंग निकल गई डबल फिगर्स में, 10 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। शुभम फिर से तैयार विवेक के लिए और स्वीप करने में सफल हुए, स्पेयर लेग की दिशा में 6 रन के लिए।
शाक ती राख नव्याने जाग पेटू दे आग मराठी तो 6 रन से रन बन गए सरस्वती खालिंग के 16 और 11 के 12 रन पर खेल रहे विवेक सेलार जिसमें 16 रन में 12 रन विवेक के हैं। फिर एक बार गेंद को उठा के खेला है गेंद हवा में राजा गलती नहीं करेंगे बिल्कुल 65 किलो की तलवार वागो तो त्याजन येसाजी 2000 जनान बरोबर एकटा खिंड लड़त तो त्याजन बाजी हाथ तुटला तरी लड़त रहतो त्याजन तानाजी 8 तासामध्ये दिल्लीहून पुण्याला घोडा आणतो त्याचं नाव संताजी 1.5 तासामध्ये दुश्मनाला तमोला कळत चुरतो त्याचं नाव धनाजी वाघाला फाडतो त्याचं नाव संभाजी आणि ह्या सगळ्यांना एकत्र करून स्वराज्य निर्माण करतो त्याचं नाव शिवाज। धन्यवाद धन्यवाद डीजे मास्टर धन्यवाद स्फूर्ती अली। तो काफी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे विवेक आखिरी क्षणों में एक हवा में स्ट्रोक खेलने के प्रयास में आउट हो गए। 4 गेंदों का उन्होंने केवल मात्र मुकाबला किया 12 रन बनाकर आउट हुए और नए बल्लेबाज मैदान में निकल गए हैं प्रशांत साथ देने के लिए अपने बड़े भाई के लिए तैयार हो रहे हैं शुभम फिर से तैयार आतिश के लिए अच्छी गेंद ब्लॉक बॉल में डाली हुई गेंद मिडन की दिशा में ढकेल दिया मिडन के खिलाड़ी काफी डीप है दूर है गेंद को उठाने से पहले हल्के हल्के कदमों के सहारे से जो एक रन की संभावना थी पूरा करने में सफल हुए दो बल्लेबाज। ठीक हम पर लारा का इशारा आता हुआ दो ओवर की समाप्ति होती हो रही है और दो ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्थिति है केवल मात्र 17 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर थोड़ी सी दो ओवर में हावी हो चुकी है निम्बोली टीम खालिंग टीम के ऊपर। अगर आखिरी अंतिम ओवर में 10-12 रन बनते हैं तो बेहतर है खालिंग के लिए अन्यथा राजा जैसे कड़क बल्लेबाज है निम्बोली के पास। मोनिस यस नक्कीच मागच्या मॅच मध्ये त्यांनी दाखवून दिलं होतं एका षटकामध्ये जर 28 धावा तो मारू शकतोय तर त्याला 3 षटकामध्ये जवळजवळ अगदी माझा विचार जातो की 50-60 टार्गेट पाहिजे पण अन्यथा तो 2 षटक निघून गेलेत धावसंख्या फलकावर पोहोचले 17 आता मात्र 6 चेंडूमध्ये जेवढा जास्त धावा येतील तेवढा मात्र खालिंग संघाला फायदा। मोनिस ये टीम अलग थी ये टीम अलग है ये सरस्वती खालिंग है ये टीम विवेक की टीम है विवेक शेलार की टीम है ये भी नहीं भूलना लेकिन राजा भी वैसे उसी तरह से फलंदाजी करता है देखना है मजा आएगा यस नक्कीच बिल्कुल मजा आएगा होणार आहे। इस बीच निखिल उठा के खेला है गेंद को काफी ऊपर है निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए हेलो हेलो एक छक्के की मदद से सरस्वती खालिंग एक समाधानकारक स्थिति में निकल गई है पहुंच गई है यानी कि स्कूल टोटल है 23 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर। निखिल फिर से तैयार प्रशांत के लिए निखिल एक इस बीच ये गेंद फिर एक बार उठा के खेला है दो खिलाड़ी के बीच में से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए चेहरन से योगदान उछल गया छलांग मारता हुआ 29 के पायदान के ऊपर एक छक्के की मदद से मैंने पहले से पहले कहा था समाधान कारक स्थिति में एक छक्के की मदद से मजबूत स्थिति में निकल गई है सरस्वती खालिंग। बैक टू बैक 2 षटकार मारलेत आणि आता मात्र समीकरण बदलले धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचली ती 29 याकडेवरती अजूनही 4 षटकांचा खेळ सर बाकी आहे जर या 4 षटकांमध्ये अजून 2 षटके लागले मोठे एक सन्मानजनक स्कोर उभा राहू शकतोय बिल्कुल अपने कंधों के ऊपर यतीश ने बोझ लिया है सरस्वती खालिंग का और सार्थ निभा रहे हैं नॉन स्ट्राइकर पर उनके छोटे भाई है दोनों भाई योद्धा की तरह लड़ रहे हैं जय वीरू दोनों भी। इस बीच निखिल फिर से तैयार यतीश के लिए
फिर एक बार गेंद को घूम के खेलने का प्रयास किया था, 23 शॉट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई। अंपायर का टिक इशारा आता हुआ, वाइड बॉल का एक रन की बढ़ोतरी खाते में आती हुई, योगदान बढ़ चुका है सरस्वती खालिंग का 30 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर, मजबूत स्थिति में निकल गई है। 3 ओवर का मुकाबला चल रहा है, अंतिम ओवर प्रगति पथ पर चल रही है और अंतिम ओवर के अंतिम 4 गेंदे बाकी है, ये देखते हुए मजबूत स्थिति में निकल गई है सरस्वती खालिंग। इस बीच निखिल तैयार, शॉट गेंद, एक अवसर था, मौका था बड़ा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन काफी जल्दी खेल बैठे हैं 30, और फलस्वरूप गेंद बल्ला काफी तेज घुमाया, बल्ला पहले घुमाया, गेंद बाद में निकल गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के पास डॉट बॉल के रूप में, अन्यथा एक बड़ा स्ट्रोक आ सकता था इस गेंद के ऊपर, थोड़ी सी जल्दी खेल बैठे। निखिल फिर से तैयार ये 30 के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट गेंद पुल किया, राजा की बड़ी प्रशंसा करनी होगी कि नीचे झुके और कैच को पकड़ लिया राजा ने। एक बंदा लरे, हेलो हेलो हेलो, तो कुल स्थिति 30, 3 खिलाड़ी के नुकसान पर, तीसरी यानी अंतिम ओवर प्रगति पथ पर है। खासकर राजा की तारीफ करनी होगी, दो कैचेस उन्होंने पकड़े हैं, बहुत ही बड़े दो कैचेस पकड़े हैं, गेंदबाजी करते हुए गेंद 4 रन दिए थे और एक विकेट भी उन्होंने लिया था। अच्छे पारंभिक बल्लेबाज भी हैं, पिच हिटर भी है, अच्छे खिलाड़ी है। इस बीच निखिल अच्छी गेंद उठाना चाहते थे, हल्की सी अपील हुई, ऑफ स्टंप की छोड़ती हुई गेंद निकल रही थी, देखते हुए दोनों बल्लेबाजों ने लेग बाय के रूप में एक रन पूरा किया, एक रन से योगदान बढ़ चुका है सरस्वती खालिंग का 31 रन 3 खिलाड़ी के नुकसान पर। सरस्वती खालिंग की बारी की हालांकि अंतिम गेंद रहेगी, अगर अंतिम गेंद के ऊपर 4 या 6 आते तो निश्चित तौर पर टोटल और मजबूत बन जाएगा। शॉट गेंद खराब शॉट है, हवा में निखिल गेंद के नीचे और खिलाड़ी आउट। कुल तो बराबर 3 ओवर में 31 रन बनाकर 32 रनों का लक्ष्य रखा है सरस्वती खालिंग ने निम्बोली टीम के सामने। 3 ओवर में बड़ी चुनौती होगी और गेंदबाजों की भी कसरत होगी खालिंग के, तीनों भाई गेंदबाजों की और बल्लेबाज की भी कसरत होगी इस मुकाबले में, काफी कड़क दोनों में टीमें हैं। तो सरस्वती खालिंग की पहली बारी समाप्त हो गई है, मेरी भी पहली बारी समाप्त हो गई है। मोनीश प्लीज जाइए, मोनीश। यस, धन्यवाद सर, आमंत्रित केलं गेलंय मला अगदी आजच्या दिवसातील शेवटची मॅच असेल चावे स्पोर्ट्स चावे आयोजित 2021 चा हा क्रिकेटचा महासंग्राम अगदी खूप वर्षानंतर या क्रीडानगरीमध्ये रंगलाय। अगदी चावे गावामध्ये जे स्वप्न बघितलं होतं ते स्वप्न मात्र साकार झालंय आणि आता मात्र ते स्वप्न साकार व्हायला काहीचे दिवस फक्त बाकी असतील। अगदी मेगा फायनलची ट्रॉफी कोणता संघ उचलेल त्याच्यासाठी मात्र ही लढाई पाहायला मिळेल। अगदी जर विचार केला गेला तर कोणते 4 टॉप संघ मात्र मेगा फायनल पर्यंत पोहोचतील त्यासाठी मात्र ही लढाई लागली। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 32 रनों का लक्ष्य, दोनों टीमें कड़क है, टफ है, ज्यादा से ज्यादा किसको तू परसेंटेज ज्यादा देंगे, 50 के ऊपर किसको देंगे? सर परसेंटेज जर विचार केला ना तर असं काही सांगतात नाही, 50-50 आहे, कारण की जर विचार केला गेंदबाजी अगर चली तो खालिंग, अगर बल्लेबाजी चली तो यस। तो तू जर तर पर भरोसा रख रहा है, जर मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा खालिंग के पक्ष में मुकाबला, थोड़ा सा खालिंग के पक्ष में, क्योंकि खालिंग के पास तीनों भी जो गेंदबाज है, तीनों भी गेंदबाज बिल्कुल अच्छे हैं। लेंथ ऑफ लाइन के साथ नीलेश तो है ही, बिल्कुल नीलेश है। यतीश भी पिछले मुकाबले में 27 रन खर्च किए थे लेकिन
वो टीम अलग थी, यतीश काफी अच्छे गेंदबाज है, और जो अंतिम गेंदबाजी जो अंतिम गेंदबाजों ने प्रशांत ने की थी, कितनी बेहतर गेंदबाजी की थी, मुकाबले को खींच लिया था अपने हाथों के बलों पर, उसके हिसाब से थोड़ा सा खालिंग के पक्ष में मैं मार्क देना चाहता हूँ। नक्कीच, खालिंग संघाकडून एक स्ट्रॅटेजी सुद्धा चेंज केली गेली। मागच्या मॅच मध्ये बघितलं, विवेक शेल्लरने पहिली गोलंदाजी हाताळली, त्यानंतरच्या 12 चेंडूमध्ये अगदी गोलंदाजांना कसरत करायला लागली होती, गोलंदाजांवरती प्रहार, पण आता स्ट्रॅटेजी चेंज केली, विवेक शेल्लरला थांबून ठेवलंय, कारण की त्याला माहिती आहे जर विवेक शेल्लर मधल्या ऑर्डर मध्ये आला, दुसरं षटक हाताळलं, प्रेशर दिलं, तर शेवटच्या षटकामध्ये कुठेतरी फलंदाजांवरती प्रेशर येईल, ती स्ट्रॅटेजी मात्र युज केली जाते, पण समोर त्यांना सुद्धा ओळखावं लागेल एक महत्वपूर्णचा विकेट, अगर यहां पर राजा फस जाए तो मैच हाथ में आ सकती है, फसाना पड़ेगा, ये मछली को जाल में फसाना पड़ेगा। तो बिल्कुल राजा को पहले निशाना बनाना होगा। यस, तो ये भी निम्बली की टीम की सोच रहेगी कि विवेक शेलार पीछे है, तो प्रारंभिक मोर्चे पर जो गेंदबाज लगा गया है यतीश, कि यतीश के अगर पहले ओवर में 15 के आसपास निकल जाती है निम्बली टीम, तो उनके फेवर ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनके पक्ष में मुकाबला आसानी के साथ निकल जाएगा। आता राजा मात्र ती स्ट्रॅटेजी यूज करत असेल की यस, विवेक शेलार ची गोलंदाजी नक्कीच कमी रन येणार आहेत, त्यासाठी आता मात्र टार्गेट केलं जाईल या गोलंदाजाला, आणि ते टार्गेट करताना एवढं राजा लक्षात ठेवायचं की माझा विकेट सांभाळून ठेवायचा आहे, अगर या असे अगर विकेट मिल जाएगी तो कहीं पर एक बार एक पाऊल आगे रहेगी टीम खालिंग। तो रणनीति अलग दिख रही है यहाँ पर। यस नक्कीच, पहिला चेंडू या वेळेस अगदी पंचाचा इशारा येईल, वाईड चेंडू, नक्कीच अतिरिक्त धाव मिळेल, आणि अतिरिक्त धावेच्या जोरावरती धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचली एक या अंकावरती, चांगली सुरुवात म्हणता येईल अतिरिक्त धावेच्या जोरावरती। डोंट आर्ग्युमेंट विथ अंपायर्स, प्लीज रिस्पेक्ट द अंपायर्स, धन्यवाद। तर नक्कीच एका धावेची सुरुवात झाली आहे वाईडच्या रूपात, श्रीगणेशा केला जातोय, सांघिक खातं उघडलं जातोय, नारळ फोडला जातोय, आणि आता मात्र पुन्हा एकदा सुरुवात केली जाते गोलंदाज यतीशच्या विरोधामध्ये, फलंदाज सज्ज झालेत, पुढचा चेंडू हलक्या गतीने बॅटची कडा घेऊन चेंडू ट्रॅव्हल झालाय, एकदा वंकित केली जाईल निखिल, आता स्ट्राइक वरती पाहायला मिळेल, एका चेंडूचा खेळ झालाय, धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचली गेली ती तब्बल 2 या आकड्यावरती। आणखी एक गोष्ट सर महत्वाची वाटेल की मला आता असं वाटतं की राजापेक्षा रिस्क घ्यायची ती निखिलला, कारण की यस राजावरचं जर प्रेशर हलकं केलं निखिलने एक दोन मोठे फटके मारले तर राजा नंतर स्टेबल होईल। बिलकुल बिलकुल सही कहा, क्योंकि निलेश जैसे गेंदबाज आने के बाकी, जैसे कि राजा जब तक रहेंगे तब तक मैच उनके हाथ में रहेंगे। यस नक्कीच, पुढचा चेंडू यावेस नक्कीच गॅप मध्ये चेंडू देण्याचा प्रयत्न होता, अगदी चेंडूला प्रहार केला जाईल, एकदा वंकित केले तर दुसरे धावेचा प्रयत्न, तू मे पाहायला मिळेल काय, एका धावीवर समाधान मानलं जातंय, आणि एका धावेच्या जोरावरती मंदगतीने का होईना पण चांगली सुरुवात केलीय ती टीम निंबवली संघाने अगदी खालिंग संघाच्या विरोधामध्ये। अगदी विचार केला तर शेवटची मॅच असेल कोणता संघ मात्र क्वालिफायर होईल आजच्या दिवसामध्ये, बघूयात दुसऱ्या दिवसाचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय, आणि अगदी लढत झटत इथेपर्यंत दोन संघ पोहोचलेत, आणि आजच्या दिवसाचे दोन अंतिम विजेते आहेत, म्हणजे दोन महाशक्ती असतील, म्हणजे दोन महाशक्ती एकमेकांसमोर उतरल्यावरती नक्कीच कशा प्रकारचं युद्ध होतं ते बघूयात। पुढचा चेंडू या वर्सेस नक्कीच पंचांकडे दात मागितली जाते, आणि असं नक्कीच जे बेस्ट वर्सेस बेस्ट मॅच चालू आहे, लेकिन नतीजा कुछ भी हो राजा पूरी तरह चुके थे, अगर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद निकल जाती तो निश्चित तौर पर एक उत्साहजनक वातावरण यहाँ को देखने को मिल सकता था। नक्कीच इथून विकेट मिळाला असता पण नक्कीज वाचले गेलेत, पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज, यावेळेस प्रहार केला जाईल हवेमध्ये, आय चेंडू पकडला जाईल काय, यस पकडो कॅच अशी तो मॅच, बडी मछली जाल में फसती भी, किसका विकेट मिला है, राजा आउट, बिल्कुल हमारे नजरों के सामने कैच को पकड़ लिया है। यस धन्यवाद दीजे, अगर देखा जाए तो इस शॉट में उतनी जान नहीं थी सर, मतलब हल्के हल्ले बल्ले से खेला था, उसी के लिए ये शॉट कन्वर्ट नहीं हो चुका, अगर मनीष गैप में खेला था, बिल्कुल गैप में खेला था, यस गैप और स्क्वायर लेग के बीच में खेला था, लेकिन जो खिलाड़ी था विद्याधर या वो कौन हो, उन्होंने दौड़ते दौड़ते हुए कैच को बेहतरीन अंदाज से, ऐसा लग रहा था कि सीमा रेखा के बाहर गेंद जा रही है, लेकिन बेहतरीन कॅच, बहुत ही बढ़िया कॅच, यस खूप चांगलं कॅल्क्युलेशन लावलं होतं शेवटच्या क्षणापर्यंत, चेंडूला मात्र कलेक्ट केला होता, यस विकेट असेल, आणि विकेटच्या स्वरूपामध्ये धावसंख्येचा जर विचार केला गेला धावसंख्या स्थिरावली गेली 3 या आकड्यावरती, आता मात्र खरी परीक्षा असेल निंबवली संघाची, अगर राजा का विकेट गिरताय तो निंबवली संघ टीम में कोण संकटमोचक बन सकेगा, आने वाले टीम में है राजा के छोटे भाई शुभम भी है, शुभम अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और शुभम आ भी गए हैं,
अच्छे स्प्रिच हिटर है। अपने बड़े भाई का विकेट जाने के बाद अपने कंधों के ऊपर बोझ आया है, सार्थ निभाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ उनको करना होगा। और आले आला प्रहार करने का प्रयत्न, राजा के साथ पीछे पीछे चले जाएंगे। तू चलो भाई, मैं तुम्हारे साथ आया, उसी तरह से आए भी और चले गए भी। डीजे मास्टर, डीजे मैंने पहले से कहा था मोनिश, मैं थोड़ा सा मुका मैच का ये जो फैसला है खालिंग के पक्ष में थोड़ा सा फेवरेट फॉलिंग है, मैंने पहले से कहा था और पहली ओवर में ये तिसने साबित करके दिखाया है। यस, नक्की जाता जर विचार केला ना तर जी स्ट्रॅटेजी यूज केली होती ने खालिंग संघाने ती स्ट्रॅटेजी सक्सेसफुल ठरली आहे। अजून विवेक शेलार गोलंदाजीवरती यायचं बाकी आहे, म्हणजे आता इथून मात्र तगडा मुकाबला असेल। गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज, पुढचा चेंडू घेऊन या। वेळेस हलक्या गतीने चेंडूवरती प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता, एकदा वंकित केली जाईल, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का बघायचंय। लक्ष जास्त मोठा नाहीये, लक्षाचा जर विचार केला गेला 32 धावांची गरज असते। एक बात क्रिकेट में साफ जाहीर है, जो हा एक रन चार धाव संख्या रणनीति से निकलती है टीम में, रणनीति खूब बेहतर होती है, रन प्लानिंग प्लानिंग बहुत ही बेहतर है, प्लानिंग से उतरती है चार, तो प्लानिंग से उतरती है ना वो निश्चित तौर पर ऊपर आती है, निर्भर उसमें सफल होती है। और जो रणनीति उन्होंने ली थी प्रारंभिक ओवर में नीलेश की जगह उनको लगाया, सक्सेस हुए उसमें, नक्की सक्सेसफुल झाले। अगदी जर विचार केला ना तर ते मात्र मागची मॅच बघत होते कोणता खेळाडू कशा प्रकारे खेळतोय, त्यांनी मात्र पूर्णपणे प्रेडिक्शन केलं आणि निंबोली संघावरती होमवर्क करून आलेत। यस, अभ्यास केला होता आणि त्या अभ्यासामध्ये आता मात्र त्या परीक्षेमध्ये पास झालेत पूर्णपणे निंबोली संघाच्या विरोधामध्ये खेळताना खालिंग संघ। यस, एका षटकाचा खेळ झालाय, धावसंख्या फलकर जाऊन पोहोचली गेली ती चार या आकड्यावरती। आता मात्र प्रमुख अस्त्र ब्रह्मास्त्र म्हटलं तरी चालेल निंब खालिंग संघाचा, याला मात्र मैदानामध्ये आणलं गेलंय विवेक शेलार याच्या हातामध्ये गोलंदाज। आता मात्र तुम्हाला अटॅक करायचं असेल खालिंग निंबवली संघाला तर यस, झाडाच्या फांद्या तोडण्यापेक्षा खोडावरती प्रहार करा, ब्रह्मास्त्रावरती प्रहार करा। पहिले ओवर के समाप्ति के पश्चात केवल मात्र चार रहने, जो रन रेट है काफी बढ़ गए हैं, दो ओवर में जीतने के लिए हमारे स्कोर टैली कर रहा है कि दो ओवर में कितने कई किन 12-28 समीकरण। पहिला चेंडू यावेळेस मात्र यॉर्कर लेनचा चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा खणून काढले, एकदा वंकित केली जाईल, एका धावेवरती थांबवलंय फलंदाज निखिल याने शुभम याला, बघूयात काय करेल। आकाश स्ट्रायकर इंडला आपल्याला पाहायला मिळेल, बघूयात आकाश आकाशी फटके मारेल काय। आता मात्र मोठे फटके करावे लागतील कारण की 27 धावांची अजूनही 11 चेंडूवरती गरज आहे, मॅच अशी कठीण नाहीये पण कठीण काळामध्ये झगडायला पाहिजे, लढायला पाहिजे, बघूयात आव्हान जेवढा मोठा असेल तो आव्हान स्वीकारा आणि त्याच्या विरोधामध्ये प्रहार करा, बघूयात काही अन्यथा शेवटच्या क्षणाकडे पक्ष तुमच्याकडे बोलून ओळू शकतोय। पुढचा चेंडू यावेळेस कार्पेटच्या सहाय्याने चेंडूवरती प्रहार केला जाईल, एकदम नक्कीच अंकित केली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय का बघायचंय। एक एक धावानी नक्कीच बुंद बुंद से सागर भरताय, उसी तरह से एक एक रनों से अपनी मंजिल बढा रहे दोनों भी बल्लेबाज आणि दोन धावेच्या एका धावेच्या जोरावरती धावसंख्या फलकावर जाऊन पोहोचली ती 6 आकड्यावरती दोन चेंडूच्या समाप्तीनंतर। नक्कीच विवेक शेलारला माहिती आहे मी आता इथून मात्र जेवढा कमी धावा खर्च करेल तेवढा फायदा माझ्या संघाला होऊ शकतोय। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झालाय पुढचा चेंडू घेऊन, या वेळेस सोडवण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू अगदी टप्पा पडल्यानंतर चकवा दिलाय निघून गेलाय, फंबल झाला फलंदाज आणि यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये चोख, यष्टीरक्षक कर्णधार स्वतः यष्टीरक्षकाची भूमिका सोपवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि यस तिथून मात्र पूर्णपणे पूर्ण टीम त्यांच्या मुठीमध्ये करून प्रत्येक टीमला मात्र ते निर्णय दिले जात आहेत कर्णधाराच्या माध्यमातून। पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज, या वेळेस हलक्या गतीने चेंडूवरती प्रहार केला जातोय, रनआउटची संधी क्रिएट होईल, एकदा वंकित केली जाईल आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागतोय। एका धावेच्या जोरावरती धावसंख्येचा जर विचार केला तर 7 या आकड्यावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचलीये, अगदी बिकट परिस्थिती आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते निंबवली संघाची। यस, बॅकफूटला ढकललं गेले, प्रेशर आलंय कारण की आपल्या संघाचा जर मोरक्या पडला म्हटलं तर युद्धामध्ये अटॅक कोणावरती करतात, 7 चार चेंडू 7 धावा, अटॅक युद्धामध्ये रणनीती साफ असते की समोरचा मोरका पाडा, मोरक्या पडला तर मावळे आपोआप मागे सरकतात तेच पाहायला मिळालं, राजा पडला त्यानंतर प्रेशर संघावरती। यावेळेस पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू हाताळला गेलाय, विवेक शेलार जी स्ट्रॅटेजी युज केली होती ती सक्सेसफुल ठरले, नक्कीच ही साफ साफ रणनीती दिसते,
अगदी पाच चेंडूंचा खेळ झालाय. धावसंख्या वळकर जाऊन पोहोचली गेली तब्बल सात या आकड्यावरती. शेवटचा चेंडू असेल, काय करेल गोलंदाज, एक मोठा फटका येईल का या चेंडूवरती बघूयात. प्रहार केला होता, हवेमध्ये चेंडू फटका फसलाय, पंचांचा इशारा येतो, एस इट इज आउट, भेज दिया आहे मैदान के बाहेर, षटक पण संपलंय. एक वेळ होती जेव्हा कुठल्याही गरीबाच्या घरी कमी पडत नव्हतं राशन, त्यावेळेस हे सरकार नव्हतं, तेव्हा होतं माझ्या राजाचं छत्रपती शासन. येस सर, आता मात्र छे गेंदेवर जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है. मैच अभी भी पलट सकते, काया पलट हो सकती है, पण त्याच्यासाठी मोठे फटके मारावे लागतील. आणि या स्पीच हिटर राजा नाहीये, राजा असता तर राजामध्ये सर तेवढी हिम्मत आहे, शक्ती आहे सहा चेंडूमध्ये 25 धावा मारायची. कारण की मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा बघितले, सहा चेंडू 28 धावा त्यांनी मारल्या होत्या. बड़ा भी कोण आहे, आकाश और करण, निखिल और करण होंगे शायद. येस, सलामीचा फलंदाज निखिल अजूनही जिवंत आहे, पूर्णपणे संघाची धुरा त्याच्या खांद्यावरती असेल. बघूयात, क्रिकेट में रन बनते हैं बिल्कुल, छह गेंदों के ऊपर छह छक्के भी आ सकते हैं, जड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में. आने वाले पहले दो गेंदों के ऊपर मुकाबला स्पष्ट जाहिर होगा. यस, पहला चेंडू वेस प्रहार करण्याचा प्रयत्न होतो, अपसाईडला चेंडू ढकलून देण्याचा प्रयत्न, एकदा वंकित केली जाईल आणि एका तवीवर समाधान म्हटलं जातोय. आता मात्र असं वाटतं की मानसिकरित्या पण कुठेतरी मॅच निंबोली संघाने मात्र ड्रॉप करायचा प्रयत्न केले जातात. नक्कीच प्रयत्न झगडत नाहीयेत अगदी. आता मात्र पाच चेंडू विजयासाठी धावांची गरज असेल, ती 23. येस, 23 रनों की जरूरत आहे आने वाले पाच गेंदो मे हो पाते हे क्या देखती आहे. पुढचा एकदा गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज झालाय पुढचा चेंडू घेऊन. सुरेख चेंडू होता, टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने मात्र दिशा बदलली, आउट स्विंगर होता चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर जिस तरह से साप अपना रुख बदलते उसी तरह से गेंद ने अपना रुख बदल दिया और सीधी चली गई है विकेट कीपर के दस्तानों में. निर्णायक चेंडू या मैच का, यावेस पंचांचा इशारा येईल. वन्स मोर टाइम इट इज अ व्हाइट व्हाइट और एक अतिरिक्त रन दिया जाएगा. अतिरिक्त रनच्या जोरदावरची धावसंख्या वळकर जाऊन पोहोचली ती 9 आकड्यावरती. 22 धावांची अजूनही गरज असेल विजयासाठी. 23 माफ करा. पुन्हा एकदा या वेस्ट चेंडू निघून जातोय आणि यस निर्धाव चेंडू. खेळ आता मात्र समीकरण बदललंय, 3 चेंडू विजयासाठी धावांची गरज असेल ती 23. आणि आता मात्र इथे वाटचाल करण्यामध्ये यशस्वी झालाय, पुढे सरसावलाय अगदी 97% मॅच, 98-99% मॅच म्हटलं झालं तरी चालेल. खालिंग संघाच्या पक्षामध्ये पोहोचले. बघूयात, 3 चेंडू विजयासाठी धावांची गरज असेल ती 23 होतील का. कठीण आहे पण इम्पॉसिबल नाहीये, अतिरिक्त धावा जर मिळाल्या तर होऊ शकतात. गुलदास सज्ज पुढचा चेंडू, यावेळेस पंचांचा इशारा येतोय पुन्हा एकदा वाईड. आता मात्र 22 धावांची गरज असेल, 3 चेंडू. आता मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झालाय, बस गोलंदाज को ये ध्यान में रखना है अतिरिक्त रन नहीं देने है अगर मॅच में जीवित रहना है तो. बघायत गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज, पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेस प्रहार केला जाईल. हवेमध्ये चेंडू फटका फसलाय, पकडो कॅच, मॅच नक्कीच चेंडूला अडवलं जाते आणि एकच धाव अंकित केली जाईल. एका धावेच्या जोरावरती धावसंख्या फळकर जाऊन पोहोचली गेली ती मंद गतीने का होईना 10 आकड्यावरती 11 आकड्यावरती. नक्कीच 3 विकेट गमावलेत, 11 धावसंख्या फळकावर लागली गेली. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होणार आहे. यावेळेस प्रहार केला जाईल चेंडूवरती, हवेमध्ये आहे चेंडू, स्वतःच्या फलोत्र मध्ये कलेक्ट करतोय का बघायचंय. आणि विकेट मिळवला जातोय. नया बल्लेबाज जल्दी आओ, एक बॉल बाकी आहे. येस सर, खेळ क्रिकेटचा अनिश्चिततेचा खेळ म्हटलं जातं. पूर्ण दिवसामध्ये ज्या राजाचा ख्वाप गोलंदाजांच्या डोक्यावरती होता ना, तो पूर्णपणे एका मिनिटामध्ये खालिंग संघाने मिटवून टाकलाय, विसरून दिलं की राजा या मैदानावरती कोण अधिराज्य गाजवत होता.